नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र के जियापोत का गांव में देर रात शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया, जिसमें जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति को खरोंच के निशान आए हैं, जिसके बाद मौके पर भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होते देख मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाया गया। SDM कुसुम चौहान सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अम्बेडकर पार्क में CCTV कैमरे लगाए जाएं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। आज से 5 माह पहले जियापोत का गाँव में अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया था। लोगों को आश्वासन दिया गया था जल्द ही CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे, लेकिन CCTV कैमरे अभी तक नहीं लगाए गए। आखिरकार 5 महीने तक पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों सोता रहा? पेश है हरिद्वार से सागर कुमार की खास रिपोर्ट। खंडित कर दिया। जब सुबह हम लाइट बंद करने के लिए जाते हैं, वहाँ का सफाई करने के लिए जाते हैं, और हमारा एक साथी जाता है मोहित, तो मोहित ने देखा कि वहाँ पर ईंट से बाबा साहब के चेहरे पर प्रहार किया गया था, जिससे मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो चुकी। जिला प्रशासन की ओर से क्या जिला प्रशासन की जब हमारी बात हुई है, उनसे मीटिंग हुई है बैठकर, तो उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि अभी वहाँ पे बाबा साहब की नई प्रतिमा लगेगी और 2 CCTV कैमरे वहाँ पे लगेंगे। अभी उसी के वजह में हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ पे अभी जा चुके हैं मूर्ति। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी हम संतुष्ट हैं, पर पूर्ण तरह से जिन भी लोगों ने बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसके बारे में इसमें तो इनको ये हमने ये बता दिया है कि इसमें कमेटी भी अपनी तरफ से सतर्क रहे, जो ये भीम आर्मी के लोग हैं इनको बता दिया है कि ये अपनी तरफ से सतर्क रहे, साथ में जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनको बता दिया गया है कि वो CCTV कैमरों की व्यवस्था करें और इसमें निगरानी रखें।